न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति कुमारी। केशव पवार के जवाब ने सभी को किया हैरान। आखिर किसके नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी यूपी चुनाव? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ब्रज क्षेत्र की बैठक में सपा, रालोद, बसपा और कांग्रेस पर खूब हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 400 सीट लाने का सपना देख रहे हैं, वह 400 कुर्सी ला सकते हैं, लेकिन विधायक लाना उनके बस की बात नहीं है। वही कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर कि इस बार यूपी में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने अपने जवाब में पीएम मोदी और सीएम योगी का बिना नाम लिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और विजयी भी होगी। बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्ष 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश में 325 सीट जीतकर 14 वर्ष का बनवास खत्म किया। तीन दलों ने गठबंधन किया, लेकिन आपने अपनी ताकत दिखाते हुए सभी का सूपड़ा साफ कर दिया। वर्ष 2019 में आपने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई और केंद्र में भाजपा की सरकार बनवाई। 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में काफी अंतर नजर आता है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी के आगे ये भी कहा कि पहले गुंडा राज, भ्रष्टाचार, माफिया राज प्रदेश में हुआ करता था। सभी दलों को भाजपा के सामने बहस के लिए बैठा दो, लेकिन कोई भाजपा के सामने टिक नहीं पाएगा। इसी के आगे उन्होंने ये भी कहा, बिजली व्यवस्था से लेकर सड़कों में काफी सुधार हुआ है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 4 दिन पहले ही अपना बयान दिया है कि विधानसभा चुनाव में वह 400 सीट जीतेंगे, लेकिन उनका यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। सपा 400 कुर्सी ला तो सकती है, लेकिन विधायक लाने में उसके लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा के शासन काल में मथुरा के जवाहर कांड में पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वह दंगा करने वाले कौन थे इसके बारे में भी पूरा प्रदेश जानता है। उन्होंने कहा कि यूपी के दिन में नरेंद्र मोदी रहते हैं, पिछली सरकारों में ट्रस्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदू धार्मिक स्थलों पर कोई काम नहीं किए गए, मगर भाजपा सरकार ने प्रदेश के 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी तक दे डाली। पहले रोजा इफ्तार पार्टी होती थी, लेकिन अब वही लोग मंदिरों में जा रहे हैं। आगे की न्यूज देखने के लिए आप देखते रहिए एशिया न्यूज इंडिया।